हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो गाइस हम दोबारा से खेलने वाले हैं सुपरमार्केट सिमुलेटर। तो मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा भाई, मैंने भाई अपने ग्रोसरी स्टोर के लिए बहुत ज्यादा सामान खरीदा था, जिस वजह से भाई मेरा पूरा शॉप भर चुका था। और गाइस आज की वीडियो में भाई अपने शॉप को भाई अपग्रेड करेंगे, और भाई उस शॉप में भाई इतना प्रॉफिट हो रहा था कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई एक प्रोडक्ट भाई $3 का बिक रहा है मार्केट प्राइस में, लेकिन मैं उसको भाई $5-6 में बेच रहा था। मैं सोचता था भाई बहुत मुश्किल होगा भाई शॉप चलाना, लेकिन गाइस इसका उल्टा हो गया। तो गाइस देखते हैं भाई आज का भाई दिन कैसा जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जल्दी से, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं अपने आलीशान शॉप में। तो आप देख सकते हो भाई, गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे कितना ज्यादा सामान मैंने ऑर्डर कर दिया है। और भाई गेट खोलते हैं जल्दी से, और भाई इसको ओपन कर देता हूँ भाई, कस्टमर आते रहेंगे। आ गए भाई, देखो खोलते ही आ गए। और भाई यहाँ पे भी देखो सामान भर रहा है, और इसमें है क्या भाई सामान? नहीं, खाली है, ये खाली है भाई, इसको डस्टबिन पैक के आता हूँ मैं। साथ ही साथ यहाँ पे कस्टमर आ चुका हमारा पहला, तो यहाँ पे खड़ी रहेगी कोई बात नहीं, हम इसमें सामान डाल देते हैं भाई। तो मैं ये नई चीज़ लेके आया हूँ, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मैं प्लेस कर देता हूँ। ये पता नहीं है क्या, तो ये पूरा भर चुका है गाइस, ये देख सकते हो। हमें भाई सेल्फ खरीदनी पड़ेगी भाई कैसे भी करके। और भाई यहाँ पे कस्टमर, भाई देखो कस्टमर की लाइन लग चुकी है। तो यहाँ पे भाई इनका जल्दी से इन सब की पेमेंट ले लेता हूँ मैं। चलो भाई, ये $5.8 चेंज देना है इसको, और ये 84 भाई देखो एक्स्ट्रा पैसे दे दिए भाई, भग रही है, बता रही नहीं है, चुपचाप से ले गई। तो भाई इसने दो चीज़ खरीदी है, तो इसका पूरा टोटल $14 कुछ ऐसा बना है। जल्दी से करते हैं। और गाइस आज हम अपने शॉप में बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे, इसका मतलब भाई देखो सारा सामान भर चुका है भाई, फिर सामान कहाँ से डालूंगा मैं। तो भाई सेल्फ तो खरीदनी पड़ेगी मुझे, तो देखता हूँ सेल्फ कितना रुपए की आएगी। और भाई ये बुढ़ा फिर से आ गया, पहले भी आ चुका है भाई, कितनी बार आ गया भाई, भी पेमेंट कर दी। और भाई इसका भी कर लेता हूँ पेमेंट। तो फिर से आना भाई, इसकी भी ले लेते हैं पेमेंट। परस आना भाई, इसकी भी ले लेते हैं $9.56। रुक जाओ, $59। तो भाई फिर से आना भाई। Three hours later, guys, रात हो चुकी है। ओ भाई साहब, आज का भाई पूरा टोटल रेवेन्यू बना है भाई, $100 का भाई कमाई कर ली मैंने भाई। बिल्कुल भाई, अभी तक वीडियो स्टार्ट भी नहीं हुई भाई, मैंने $100 की कमाई कर ली। आप जान लो कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ मैं। और दीदी भाई, और दीदी आप कहाँ जा रही हो? दीदी और ले जाओ सामान। दीदी हेलो, ये क्या भाई, ये गायब हो गई यहाँ से। तो ये क्या लिखा था, नो न्यू कस्टमर विल कम एट नाइट। अच्छा, स्किप करना मॉर्निंग, तो स्किप कर लेते हैं भाई। ओ भाई साहब, स्किप कर लिया मैंने मॉर्निंग को। तो भाई ये जो सामान पड़ा हुआ है, पास्ता पैनी पता नहीं क्या नाम है, तो इसको भी डाल देता हूँ। अरे यार डालूंगा कैसे गाइस, सबसे पहले मैं सेल्फ खरीद लेता हूँ। ओ भाई कस्टमर आ गया, तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और भाई सेल्फ देखता हूँ कितने रुपये की आ रही है। ओ भाई साहब, सेल्फ $200 की आ रही है, और हमारे पास $195 है भाई। $5 और डालने भाई, ये $5 तो शीशे बन जाएगा। ऑलराइट गाइस, पूरा $200 पूरे परफेक्ट बन चुके हैं। और भाई जल्दी से सेल्फ खरीदते हैं, और ऐड टू कार्ट करते हैं, और जल्दी से भाई बाय नाउ करते हैं यार। और आता ही होगा भाई हमारा प्रोडक्ट, सेल्फ आती होगी। आ जा भाई आ जा, कहाँ है, ऊपर से आता है ना, कहाँ गई भाई? अरे अभी तक नहीं आई क्या, लूट लिया क्या भाई? अरे भाई स्कैम हो गया गाइस मेरे साथ भाई, पैसे कट चुके हैं भाई। अरे तू निकल जा, मेरी सेल्फ नहीं आई मैं। अरे भाई अभी तक भाई, जल्दी इतनी जल्दी तो आ जाती भाई, सेल्फ कहाँ चली गई? अरे भाई शायद टाइम लगता होगा गाइस। चलो कोई बात नहीं गाइस, सामान खत्म हो गया तो बस सामान डाल देता हूँ मैं। लेकिन गाइस इस टाइम तो आ जाता है यार, अभी तक आया ही नहीं गाइस। तो यहाँ पे ये फ्लोर डाल देते हैं, तो फ्लोर का डिब्बा कौन सा भाई? ये तो बैराइट का है, ये ऑयल का है, ये पास्ता का है, ये भी ऑयल का है,
फ्लोर का शायद ये ओ भाई पैकेज डिलीवर। ओ भाई साहब मैं सो रहा भाई। ओ भाई मैंने पूरा पार्सल फेंक दिया भाई, लुढ़क गए। तो वो मैं सोच रहा था भाई मेरे साथ स्कैम हो गया भाई, सामने ही लगा देता हूँ सीधा भाई। और राइट गाइस, देखो भाई 2 साल आ चुका है, अब तुम देखना क्या कमाई होती है भाई। सबसे पहले भाई कस्टमर गुस्सा हो जाएंगे, सबसे पहले इनका सारा पेमेंट ले लेता हूँ मैं। भाई ये 3 सामान ले जा रहा है भाई, पैसा पैसा भाई $21 कुछ बनाया है टोटल। तो ले जा जा, तू एक्स्ट्रा पैसे ले गया यार, ये बार बताते भी नहीं है भाई, एक्स्ट्रा पैसे ले जाते हैं थोड़ा सा। यार जल्दी बाजी में जल्दी से एक्स्ट्रा पैसे दे देता हूँ इनको। और राइट गाइस, रात हो चुकी है और भाई आज का रेवेन्यू पूरा टोटल भाई 64 बना है, क्योंकि भाई ज्यादा लोग आए नहीं थे। चलो कोई बात नहीं गाइस, आज है डे 11 और सुबह हो गई है गाइस। और बाय आ न्यू लाइसेंस, लाइसेंस खरीदना पड़ेगा क्या मुझे? लाइसेंस क्या होता भाई? शायद इस दुकान का लाइसेंस हो, शायद मेरे पास होगा नहीं। ये क्या स्टोरेज, ये बंद है। ए भाई लाइसेंस कैसे खरीदूं भाई? डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा क्या? यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे भी नहीं है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट में थोड़ी होगा लाइसेंस, ये क्या है लाइसेंस? अच्छा गाइस, इसमें एक प्रोडक्ट लाइसेंस खरीदना पड़ेगा ये है, लेकिन $200 का एक लाइसेंस आ रहा है। और भाई लाइसेंस में भाई बोतल वाटर है, चीज़ है, कॉफ़ी है, एग्स है, मिल्क है, टी ब्लैक, ये लाइसेंस है। मुझे समझ में नहीं आया गाइस। चलो भाई इसके लिए $200 भाई कमाने पड़ेंगे हमें। और भाई हमारे कस्टमर आ चुके हैं बिना बोले, और जल्दी से इनकी पेमेंट करते हैं और देखते हैं भाई हमारे $200 इन कस्टमर से बनते हैं या नहीं बनते। 2,000 years later. और राइट गाइस, इसकी भी पेमेंट कर दी है मैंने और भाई कस्टमर आए जा रहे हैं। और गाइस यहाँ ये दो मेरी सेल्फ है, इसमें भी भाई सामान डाल दूँ मैं। और गाइस रात भी हो चुकी है भाई, ओपन करता हूँ मैं। और भाई फ्लावर पास्ता डाल देता हूँ भाई इसमें, भाई इसको थ्रो करता हूँ। और भाई कस्टमर आ गए हैं तो भाई इनका पहले पेमेंट कर देता हूँ, फिर बाद में भाई सेल्फ में लगाऊंगा अपनी नई सेल्फ में। और राइट गाइस, आज का लास्ट कस्टमर चला चुका है। और भाई पहले पहले इसको क्लोज कर देता हूँ मैं और कस्टमर ना आ पाए भाई। और भाई जो मेरे सामान है, ऑयल पहले सबसे पहले भाई अपने न्यू सेल में ऑयल डालते हैं, इसका मतलब अपना ऑयल नहीं भाई, इसको हटाता हूँ मैं भाई। आज की रेवेन्यू क्या बनी मैंने देखा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं भाई, $100 ऐसे ही बना है भाई, जल्दी से प्लेस कर देता हूँ मैं अपनी न्यू सेल्फ में। जल्दी भाई जाओ भाई, ऑयल हमारा पहला न्यू प्रोडक्ट भाई ऑयल। और यहाँ पे मैं इसको थ्रो कर देता हूँ भाई, बाद में साफ सफाई करूँगा, बहुत गंदा हो गया मेरी शॉप। यहाँ पे शुगर है तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। और भाई शुगर इसमें थोड़ी बहुत बची थी तो यहाँ मैं डाल देता हूँ, तो इसको भी हम फेंक देते हैं। और भाई यहाँ पे और प्रोडक्ट हैं, ऑयल है भाई, ऑयल तो ज़्यादा आ गया है, मैंने ऑयल एक्स्ट्रा आ गया गाइस, यहाँ पे रख दिया मैंने, बाद में ले लूँगा जब ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे भाई ब्रेड है, ब्रेड भाई काम किया है तो ब्रेड हम ऊपर लगाएंगे। चलो 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 जल्दी फटाक से काम करो भाई, ये भी भर चुकी है। और यहाँ पास्ता तो भाई ज़्यादा भर चुका है, एक ही आएगा शायद, तो भर ही गया भाई ये। चलो भाई ये भी ज़्यादा एक्स्ट्रा आ गया है, नया सामान आया है तो हम नया सामान अपनी नई सेल्फ में डालेंगे। ऑयल तो बहुत काम की चीज़ है भाई, इसको महंगा बेचेंगे हमें, $5 का है मार्केट प्राइस है इसका। और हम इसको, और भाई कितना गंदा हो गया भाई हमारी शॉप, तो यहाँ से मैं अपना ये सारे बॉक्सेस अपने भाई डस्टबिन में फेंकता हूँ और आ जाएंगे गाइस। मैं इसको ओपन कर दिया मैंने और भाई कस्टमर भाई जल्दी आ जाएंगे, देखो भाई आ गए भाई, ओपन करते ही आ जाएंगे भाई, क्या जादू है भाई इस भाई, ये बहुत अच्छी भाई कमाई बहुत बढ़िया हो रही है भाई इस शॉप में। भाई इसमें बचा हुआ है ब्रेड तो यहीं डाल देता हूँ मैं, एक्स्ट्रा सामान है भाई इसमें भी है भाई एक्स्ट्रा सामान, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान डाल दिया मैंने। और ये देख सकते हो यहाँ पे मैं नए नए प्रोडक्ट डालूंगा भाई, यहाँ पे अलग और यहाँ पे नया प्रोडक्ट। क्या भाई शुगर इज सो एक्सपेंसिव भाई, ज़्यादा महंगा भी कर रहा हूँ क्या मैं? कोई बात नहीं भाई, लेने वाले भाई लेंगे और ना लेने वाले भाई बहाना मारते रहेंगे। अरे भाई ज़्यादा ही मैंने शुगर महंगी कर दी, अरे 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 गाइस में लग रहा है अपना गाइस में लग रहा है मैंने जोश जोश में ज़्यादा ही प्राइस बढ़ा दिया है, देखते हैं भाई ये लेगी ना लेगी बुढ़िया, फिर तो भाई प्राइस घटाना पड़ेगा मुझे।
ओ भाई ले रही तो है भाई, भाई ले रही ऑयल का भाई, महंगा बता रहा है भाई। ऑयल को भाई सस्ता कर देता हूँ भाई, मुझे लग रहा है मैंने बहुत महंगा कर दिया है। तो भाई $9 पांच मार्केट प्राइस है, $5 मार्केट प्राइस है, तो मैं इसको भाई $8 में बेच देता हूँ। $6 का तो प्रॉफिट तो होगा ही भाई। और भाई यहाँ पे आ चुके हैं कस्टमर, एक ब्रेड ले गई है। जल्दी आओ भाई। और देखो देखो भाई, अभी शुगर भी ले जा रहे। मैंने क्या बोला था, लेने वाले भाई लेंगे और ना लेने वाले नहीं लेंगे। चलो भाई भाई, क्योंकि मेरे भाई सोसाइटी में बस अपनी मेरी अकेली दुकान है, जिस वजह से ये सारे लोग मेरे मेरे शॉप में आ रहे हैं। भाई ओवर लिमिट में प्राइस डाल दिया है, जिस वजह से भाई मेरा सामान बिक ही नहीं रहा। तो भाई मुझे सस्ता करना पड़ेगा। पास्ता भी भाई, पास्ता तो बहुत कम ले रहे हैं। तो आप देख सकते हो भाई, मेरा $50 का रेवेन्यू बना है आज के दिन भाई, बहुत ही कम बना है भाई। मैंने ज़्यादा पैसे डाल दिए भाई जोश जोश में। और भाई आ ही गए भाई, कस्टमर आ रहे हैं भाई, धीरे धीरे कस्टमर आ रहे। 3 hours later. सारे कस्टमर चले चुके हैं और सुबह भी हो गई है। और गाइस मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया भाई, बाहर से कोई कस्टमर ना आ सके। और भाई जल्दी से हम अपना लाइसेंस खरीदते हैं भाई। क्या लाइसेंस है भाई, मेरे को देखना है उसमें है क्या भाई। तो मैं यहाँ से अपना $200 का जल्दी से लाइसेंस खरीदता हूँ। और गाइस ये क्या लिख रहा है, ट्राई यूजिंग गैबेज कलेक्शन सर्विस। गैबेज कलेक्शन क्या, गैबेज कलेक्शन क्या होता है ये, क्या भाई, ट्राई यूजिंग गैबेज कलेक्शन ये है क्या, फिर क्या है। और राइट गाइस, मुझे समझ में तो आ रहा नहीं है। और जल्दी से यार सामान डाल देते हैं भाई, टाइम वेस्ट कम करते हैं भाई, कस्टमर आए जा रहे हैं। और राइट गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारा सामान लगा दिया है और भाई भीड़ हो गई है इकट्ठा। और जल्दी से इनकी पेमेंट कर देता हूँ, इनकी सारी पेमेंट ले लेता हूँ। और राइट गाइस, भाई हो चुके हैं सारे कस्टमर, जा चुके हैं। अरे भाई रात हो गई, ओ भाई बॉडी बिल्डर, ओ भाई रात हो चुकी है, अब मुझे सोना है। हाँ हाँ चल, अब नहीं ठीक है, लेकर का है पास्ता पहले नहीं ले रहा। तो भाई बकवास कम कर, यहाँ से सारे लोग ले जाते हैं पास्ता। अब कैसे ले रहा है तू है, अब कैसे ले रहा है पास्ता को, एक्सपेंसिव बताता है और खुद ले रहा है। निकल जा, मत बोलती हो फालतू। हाँ निकल जा, निकल जा, बैठ जाएगा। हाँ फालतू मत बोल। अरे यार मैं क्या करे जा रहा हूँ यार, कस्टमर भाई निकल। अरे यार कस्टमर यार, पास्ता तो कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे हैं। अभी देखना तुम, ये पास्ता ही रखेगा देखना। देखो पास्ता रखा और चार सामान, पांच छह सामान और रख लिया यार। फालतू भी बोलते भाई, ले रहे हैं तो लो चुपचाप से, फालतू मत बोलो भाई। बस $29 का भाई सामान खरीदा भाई इसने। और गाइस लगता है ये लास्ट कस्टमर था हमारा आज के दिन का। तो भाई आज का रेवेन्यू भाई $92 बना है भाई सिंपल। और राइट गाइस, डे 15 हो चुका है और भाई यहाँ पे अभी क्लोज करता हूँ, क्योंकि अब सामान डालने का टाइम आ चुका है। क्यों और राइट गाइस, बस ऑयल ही बचा और भाई मेरा सारा सामान बिक चुका है। और भाई मुझे लग रहा है अब मुझे भाई नए नए सामान खरीदने पड़ेंगे, प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। तो भाई जल्दी से भाई ओपन कर लेता हूँ, ऑर्डर कर लेता हूँ जब तक। तो डेस्कटॉप पे चलता हूँ और देखते हैं क्या क्या नया नया सामान आया मार्केट में। तो भाई मैंने ऑयल पहले खरीद लिया था, तो भाई कुछ और नई चीज़ खरीदते हैं। वाटर बोतल, ओ भाई साहब वाटर बोतल खरीदते हैं। पानी भाई, पानी सबसे ज़्यादा पीते हैं लोग भाई। इसको दो अमाउंट मंगाऊँ, एक पता नहीं खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे भाई लोग। और ये चीज़ मिल रहा है, अच्छा गाइस, ओ भाई साहब नई नई चीज़ें खुल गई हैं गाइस। अच्छा अब आया समझ में भाई, वो क्या था पता है, फूड लाइसेंस में तो क्या था, इससे ना हमारा प्रोडक्ट खुल गया था। नए नए प्रोडक्ट खुल जाएंगे और देख सकते हो अभी लॉक है। अब मैं नया लाइसेंस खरीदूंगा तो ये सारे खुलते रहेंगे। अभी ये चार सामान खुल चुके हैं। तो भाई यहाँ पे वाटर बॉटल खुल चुकी है, चीज़ चीज़ ले लूँ क्या। तो भाई इसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं और भाई कॉफ़ी को भी ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। भाई $99 का बना है, जल्दी से ऑर्डर कर देते हैं नई नई चीज़, हमारा नया प्रोडक्ट भाई, बहुत एक्साइटिंग हो। और भाई यहाँ पे भीड़ लग चुकी है, सबसे पहले इनकी पेमेंट कर देता हूँ, फिर भाई बाद में प्रोडक्ट लाऊंगा मैं।
राइट गाइस, सुबह हो चुकी है और हमारा नया प्रोडक्ट भाई आ चुका है। तो यहाँ से भाई कॉफी ले लेते हैं भाई, जल्दी से ओपन करते हैं और भाई कॉफी भाई यहाँ लगाते हैं ऊपर। ओ भाई कॉफी, कॉफी का नाम क्या है? नारवालो, नरवालो, क्या क्या नाम रख रखा भाई गेम वालों ने कॉफी का नाम। भाई भाई नेस्ले की कॉफी है, मुझे पता है भाई नेस्ले की कॉफी कॉपी कर रहे हैं। ओ भाई इसमें क्या है, इसमें क्या, अरे चीज़ है गाइस इसमें, तो हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अच्छा कैन ओनली बाय फ्रिज वाला सामान खरीद लिया मैंने गाइस, मैंने फ्रिज वाला सामान खरीद लिया, मुझे ये नहीं पता था भाई चीज़ को भाई फ्रिज में रखना है, अब ये खराब हो जाएगा गाइस, ये क्या करूँ मैं अब इसका। फ्रिज कितने का मिल रहा है देखना पड़ेगा भाई, फ्रिज भाई $1000 बिक रहा है। अरे यार फालतू में ले लिया मैंने यार ये, अब ये सड़ा रहेगा क्या भाई, फ्रिज नहीं आएगा जब तक। अबे यार मैंने फालतू में ले लिया, तो यहाँ पे इसको साइड में रख देते हैं गाइस, क्या करें यार फालतू में ले लिया, मुझे तो पता नहीं था भाई फ्रिज में रखना पड़ेगा, मैं तो ऐसे ही बिक जाएगा। चलो भाई कोई बात नहीं, यहाँ पे वाटर बोतल है तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं जल्दी से और वाटर बोतल को सबसे ऊपर डालते हैं। कैन ओनली भाई, इसको फ्रिज में रखना है। अबे यार इसको फ्रिज में रखना है पानी को भी। अरे हमारे यहाँ तो भाई भाई धूप में रखते हैं भाई, धूप में पानी भाई, पानी की बोतल भाई बिस्लरी की बोतल भाई धूप में पड़ी रहती हैं हमारे यहाँ तो। अब भाई ये क्या करूँ इसको, अब फ्रिज का इंतजार करना पड़ेगा इनको। अब भाई ये ऑयल है, ऑयल भाई जल्दी से हम ऑयल को प्लेस कर देते हैं। चलो भाई सारा सामान हो चुका है भाई ख़त्म, और भाई ये फालतू मैंने सामान ले लिया भाई, इतना महंगा महंगा सामान है भाई, क्या करूँ मैं गाइस इसका। चलो भाई, चलो भाई ओपन तो करो यार, कमाई तो करूँ कुछ इनके चक्कर में भाई। अरे मैं सोच रहा भाई पानी भाई आराम से बिक जाएगी बोतल, आ जाओ भाई आ जाओ। ओ गाइस मैंने तो भाई मैंने नेस्ले इसका कॉफ़ी का मैंने भाई प्राइस डाला ही नहीं है भाई, इसका मार्केट प्राइस $9 है और हम इसको भाई $11 में बेचते हैं भाई। चलो गाइस मैंने इसको $11 में बेच रहा हूँ उसको, मैं इसका प्राइस मैंने सेट कर दिया और भाई कस्टमर आ गए हैं, तो जल्दी से इनकी पेमेंट करते हैं। 3 hours later. तो आज के दिन हमने $136 कमाया है भाई, सही है। और तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और भाई भाई मैं सच में पछतावा कर रहा हूँ भाई, मैंने वो प्रोडक्ट क्यों खरीदा, क्योंकि भाई वो चीज़ भाई ख़राब हो जाएगा मुझे लग रहा है, शायद नहीं खरीदेंगे लोग। और भाई वाटर बोतल मैं सोच रहा था भाई मैं उसको आराम से भाई बेच दूंगा भाई, फ्रिज व्रिज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, चीज़ में तो डाउट था थोड़ा बहुत, मैं शायद फ्रिज की शायद ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी भाई मैंने दोनों चीज़ को ख़रीद लिया और भाई मुझे लग रहा भाई फ्रिज का भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भाई, $1000 का भाई। और भाई देखते हैं भाई कैसा होगा भाई तीसरा एपिसोड भाई कैसा होगा, और भाई तीसरा एपिसोड ज़रूर देखना भाई, क्या करेंगे भाई तीसरे एपिसोड में हम। और बस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, हम इसकी नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय।